हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना केक बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और हम बनाएंगे क्रिसमस केक, वो भी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ, और उसके साथ इजी ओए से केक के ऊपर क्रिसमस ट्री भी बनाएंगे। और मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, कैसा हेल्प आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर हमें 1 किलो चॉकलेट केक बनाना है। ये थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लेके इसमें ये चॉकलेट गनाश ऐड कर ली और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। चॉकलेट केक में इस तरह से चॉकलेट क्रीम बना के लगाए तो केक बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। 1 किलो केक बनाने के लिए मैं 400 ग्राम मेरी होममेड प्रीमिक्स लेके उसमें ये चॉकलेट स्पंज बनाया था और इसको 3 लेयर्स में कट कर ली। ये शुगर सिरप में ये कॉन्डेंस मिल्क ऐड करके इसमें ही हम ये चॉकलेट केक सोक करेंगे। ऐसे सोक करने से केक में ज़बरदस्त टेस्ट आता है। उसके बाद चॉकलेट वाला ये क्रीम अप्लाई करेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे ये केक के ऊपर। फिर जो हमारे डार्क चोको चिप्स आता है मार्केट में, वो चोको चिप्स क्रीम के ऊपर ऐसे भर भर के देंगे जैसे एक एक बाइट में चॉकलेट का जो चोको चिप्स मुंह में आए। फिर उसके बाद सेकंड लेयर देना है। ये देखिए, केक हमारा बहुत परफेक्ट और जालीदार केक बना है। इसका रेसिपी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब इसका भी हम सोक करेंगे सेकंड लेयर को। फिर उसी प्रोसेस से क्रीम और चोको चिप्स दे के जो केक की फाइनल लेयर दे के इसकी जो क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद 1 घंटे के लिए हमें इसको फ्रिज में स्टोर करनी है। अगर आपका अर्जेंट केक ऑर्डर है तो आप फ्रीजर में इसको 10 से 15 मिनट नहीं तो आधे घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो न्यू ईयर और जो क्रिसमस का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहता है, इसीलिए वीडियो शूट करने को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं सारे वीडियो शूट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा मेरे ही मोबाइल में केक्स की वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन जब कभी मेरे हस्बैंड जी घर पर होते हैं तो उनके मोबाइल में भी मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाती है। ज़्यादातर रात की ऑर्डर उनके मोबाइल में शूट कर देती थी। कभी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उनके मोबाइल पर एडिटिंग करके फिर से मेरी मोबाइल को लाती थी। तो यहाँ पर जब मैं ये केक का वीडियो शूट करने के लिए ये हमारे काइन मास्टर को ओपन करी तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसे कुछ दिखाई दिया। इस मोबाइल पर मैं 50 से भी ज़्यादा केक का वीडियो में शूट करी थी। पता नहीं कैसे ये जो सारे वीडियो मेरे डिलीट हो गया है। वीडियो रिकवरी के लिए सारे कोशिश कर ली, फिर भी वीडियो रिकवर नहीं हुआ। 4 दिन से परेशान हूँ। कितना मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। आप सबके लिए बहुत सारे वीडियो शूट करी थी और बहुत सारे चॉकलेट डिजाइन जो ये क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मैं बनाई थी, वो सारे चॉकलेट की जो गार्निशिंग वो भी थी उसमें, वो सारे डिलीट हो गया है। अभी तो दिन रात सिर्फ केक ही केक बनाती हूँ, फुर्सत नहीं है। फ्रेंड्स, फिर भी सारे केक्स की वीडियो बना लेती हूँ और चैनल पे सारे वीडियो शेयर भी करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो वीडियो मेरे डिलीट हो गया या फिर कुछ हो गया है, फ़ोन पर कहीं पे हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज़ मेरे हेल्प करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कैसे वो सारे वीडियो मेरी रिकवर होगा, मुझे प्लीज़ हेल्प करिए। हाँ फ्रेंड्स, ये काइंड मास्टर अपडेट मांग रहा था तो मैं सिर्फ अपडेट करी थी, उसके बाद ओपन करी तो कुछ भी वीडियो नहीं था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं केक की फाइनल आइसिंग करने के बाद ऐसे चॉकलेट गनाश से ये ड्रिपिंग कर ली केक के चारों ओर। फिर इसके ऊपर ऐसे चॉकलेट गनाश को स्प्रेड करके इसको पैलेट नाइफ से ऐसे स्प्रेड करना पड़ा।
क्योंकि ये जो सर्दी है बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए सर्दी के लिए वो जो चॉकलेट बहुत जल्दी से जम जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लेके उसमें लिप ग्रीन कलर जो जेल कलर है उसको 1-1 ड्रॉप ऐसे ऐड करके इसको हमें ग्रीन कलर बनाना है। फ्रेंड्स, ये केक क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के लिए एक स्कूल से ऑर्डर आया था। ये सेलिब्रेशन एक होटल पे हो रहा था। बहुत सारे लोग, टीचर्स, पेरेंट्स इनवाइट थे इस पार्टी में। हमें भी इनवाइट था लेकिन हम नहीं जा पाए। मेरे बेटे का ये पुराना स्कूल है। ये सेलिब्रेशन क्रिसमस डे से पहले हो गया क्योंकि एक्समस हॉलीडे हो जाएगा इसलिए। हमारे यहाँ फ्रेंड्स ये जो आइसक्रीम का कोन नहीं मिलता है, इसीलिए ये 10 रुपीज़ वाले एक आइसक्रीम लाकर उसको जो आइसक्रीम कोन से निकाल के मैं ये ट्री के लिए यूज किया हूँ। फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए केक बनाना पड़े तो अपना 100% दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट और अच्छा डिजाइन बना के दें और केक बॉक्स के ऊपर अपना नाम, पता, फोन नंबर देने को ना भूले। ऐसे पार्टी में अगर आपका केक आ रहा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और अगर आप उस पार्टी में प्रेजेंट है तो सबसे केक का फीडबैक ले और आप खुद बनाते हैं केक वो भी बताइए। इस तरह की पार्टी एक बड़ा रास्ता है जो आपको साल भर के कलर दिलाएगा, क्योंकि इस तरह की पार्टी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोग होते हैं। अगर आपका केक टेस्ट अच्छा है तो इस वजह से आपका केक बिजनेस जरूर ग्रो होगा। ये पार्टी के बाद मेरे पास 5 केक का ऑर्डर आ गया, इसीलिए मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने को ठीक समझी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं ये जो क्रिसमस ट्री बनाई हूँ वो नूर की 46 नंबर की नोजल से वो डिजाइन बनाई हूँ, और जो बॉर्डर वाली डिजाइन है नीचे बेस में बनाई हूँ वो है नूर की 7 नंबर की नोजल, और इसमें जो स्प्रिंकल्स दे रही हूँ वो बॉर्डर भी मैं नूर की 46 नंबर की नोजल से बनाई हूँ। फिर थोड़ा सा मेल्टेड हुइप्ड क्रीम लेकर उसको पाइपिंग बैग में ऐसे जो छोटे कट लगा के ऐसे में मेरी क्रिसमस लिख ली। फिर ये जो केक के ऊपर कुछ जो स्टार वाले स्प्रिंकल्स है और गोल्डन वाइट सिल्वर बॉल है उसको मैं केक के ऊपर स्प्रेड करके ये केक की फाइनल लुक बनाई हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करिए, जो प्रॉब्लम्स में आप सबके साथ शेयर करी उसकी सलूशन प्लीज मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये क्रिसमस केक की ये फाइनल लुक और क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है कमेंट्स करिए। ये केक 600 रुपीज़ में सेल करी थी। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।